ओके सो हाय गाइस, बस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण और आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि गाइस आप लोग जो अपने स्टार्टिंग के 1000 व्यूज जो है अपने इंस्टाग्राम रील्स पे कैसे ले सकते हो। यहाँ पे गाइस मैं आपको 3 ट्रिक्स बताऊंगा और आपका अकाउंट नया है या पुराना है या मतलब कैसा भी है उसमें कोई मैटर नहीं करता। अगर आपके अकाउंट की रीच डाउन भी हुई है तो भी गाइस आप स्टार्टिंग के 1000 व्यूज अपने वीडियोस पे ले पाओगे। वो कैसे गाइस वो मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यहाँ पे मैं 3 ट्रिक्स बताऊंगा गाइस और इसमें से जो तीसरी वाली ट्रिक्स है, जो ट्रिक है तीसरी वाली, वो गाइस इतनी मतलब कि मैं बता रहा हूँ आपको पूरे यूट्यूब में किसी ने नहीं बताया होगा, वो मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप लोग जो इस वाली ट्रिक को बिल्कुल भी मिस मत करना। हो सकता है गाइस जो स्टार्टिंग है जो दो मैं टिप बताऊंगा आपको गाइस ये शायद हो सकता है कि आपने कहीं सुनी हो, बट गाइस हेल्पफुल होगी तीनों की तीनों ट्रिक। तो आप लोग जो वीडियो को देखते रहना। बाकी चले गए आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहली जो हमारी ट्रिक है जिसमें मैं आप लोगों को एक चीज पहले क्लियर करना चाहूंगा कि इसमें क्या है कि गाइस देखिए आप लोग अगर इंस्टाग्राम रील्स या अगर आप यूट्यूब शॉर्ट्स बनाते हो, इन दोनों में गाइस आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों को जो ड्यूरेशन टाइम दिया जाता है वो 1 मिनट का दिया जाता है। और आजकल के टाइम में जो है 1 मिनट तो गाइस कोई मतलब कि 10 मिनट तो छोड़ो कोई 1 मिनट की वीडियो भी नहीं देखना चाहता है। क्यों? क्योंकि गाइस क्या है कि आजकल किसी के पास भी टाइम नहीं है, 1 मिनट की वीडियो में ही लोग बोर होने लग जाते हैं। भले ही वो उनकी मतलब हेल्प के हो वीडियो, पर कोई देखना नहीं चाहता है। तो इसलिए गाइस आप लोग कोशिश करो कि आपकी जो वीडियो होगी वो 5 से लेकर 7 सेकंड तक की हो, ज़्यादा ज़्यादा 10 सेकंड तक की वीडियो, उसको मतलब आप इतनी सेकंड की वीडियो क्रिएट करनी है। इससे क्या होगा कि गाइस ये वीडियो जो है जल्दी खत्म भी हो जाएगी और क्या होता है कि कुछ पार्ट ऐसे होते हैं कि जो लोग हैं जो स्टार्टिंग में नहीं सुन पाते तो वीडियो को रिपीट करके दोबारा देख सकते हैं। लेकिन गाइस अगर आपकी वही वीडियो 1 मिनट की होगी और अगर आपने 30 सेकंड के बाद अगर आपने वो चीज़ बोली है तो गाइस अगर आप वो मतलब कि जो वीडियो देख रहा है व्यूअर उसको वीडियो को रिपीट करके नहीं देखा क्योंकि उसे पता चल जाएगा यार बहुत आगे जाके इसने बोला है, छोड़ो हटाओ दूसरी वीडियो देखते हैं। तो आप लोग कोशिश करना है कि आप लोगों को जो है 5 से लेकर 10 सेकंड तक के बीच में आप लोगों की वीडियो का ड्यूरेशन जो है इतना होना चाहिए। और इतने ही रील्स का मतलब भी होता है गाइस, पता नहीं क्यों खा मखा 1 मिनट का इतना निकाल दिया, इतना कोई नहीं देखता है। तो ये चीज़ आपको करना है। और गाइस आप लोगों को जब वीडियो को अपनी आप अपलोड करोगे तो वहाँ पे आप लोगों को जो हाई क्वालिटी का जो ऑप्शन होता है आपको सब कुछ ऑन करके रख लेना है। एंड हाई क्वालिटी में कैसे वीडियो को अपलोड करते हैं अगर आपको नहीं पता है तो मैंने इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वीडियो को जाकर जरूर देखना। और गाइस आप लोगों को मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जब आप गाइस आप अपना कैप्शन लिखते हो तो उसमें कुछ ऐसा कैप्शन होना चाहिए कि गाइस कैप्शन पढ़ते के साथ ही बंदे को ये लगे कि हमें वीडियो को जो है पूरा देखना पड़ेगा, तो ऐसा कैप्शन होना चाहिए। और एग्जांपल के लिए आप लोगों को मैं कुछ वीडियोस भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उन वीडियो को देखना मैंने वहाँ पे किस किस टाइप के कैप्शंस लिखे हैं। एंड उसी के नीचे गाइस आप लोगों को 5 से लेकर 8 तक के कितने हैशटैग यूज करना है। इससे क्या होगा कि 5 से 8 हैशटैग लिखोगे गाइस तो आप लोगों को सारे ट्रेंडिंग हैशटैग लिखना है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी आपने डाल दिया। और आजकल गाइस आपको जो है बहुत सारे गूगल पे बहुत सारे ऐसे वेबसाइट मिल जाएंगे जो गाइस की फ्री हैशटैग जो प्रोवाइड करते हैं, आप उनका हैशटैग को भी यूज कर सकते हो। जो भी मतलब कि मैं कोशिश करूंगा कि अगर मेरे कुछ वेबसाइट्स के लिंक में अगर मिल जाते हैं तो मैं आपके लिए मैं आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, तो आप वहाँ से भी जाकर हैशटैग को भी कर सकते हो। बस हमारी जो सेकंड टिप है इसमें गाइस मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि देखिए मान लीजिए अगर आप लोगों ने अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया और आप लोगों ने सोच लिया कि आप जो है मेरे को डेली एक रील अपलोड करना है अपने अकाउंट पर, तो आप लोग सबसे पहले क्या करोगे, आप लोग जो है अपने आप में एक ऐसा कर लो कि मतलब कि आप अपने ऊपर ठान लो कि आप मेरे को 1 महीना रील्स अपलोड करना है कंटिन्यूसली बिना कुछ सोचे समझे, ना मुझे व्यूज देखने ना मुझे लाइक्स देखने कितने आ रहे नहीं आ रहे, मेरे को बस 1 महीना रील्स अपलोड करनी है। ठीक है, अब गाइस देखिए आपको ये रील्स अपलोड करनी है आपको, अब आप लोग सोचोगे कि पर रील अपलोड किस टाइम करें, अब आप लोग सोचोगे कि मैं बोलूंगा कि आप लोग अपने सेटिंग्स में जाओ वहाँ पे इन हाइट्स में जाके आप लोगों को वहाँ पर टाइमिंग दिया, नहीं गाइस आपको वैसे अपलोड नहीं करना है, आपको वहाँ पे उस टाइम से कोई मतलब नहीं रखना है। क्योंकि गाइस क्या होता है कि जब भी आप अपनी रील्स को अपलोड करते हो तो इंस्टाग्राम जो है इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम जो है आप लोग का इंप्रेशन जो है जो आपके फॉलोवर्स नहीं है ना उनके पास पहुँचाता है। और वो जो शाम के टाइम जो होता है ना मतलब मान लो अगर शाम के टाइम अगर आप वीडियो को अपलोड करते हो तो इस टाइम पे जो ज़्यादा लोग फ्री रहते हैं, क्या मतलब कि 6 बजे के बाद से जो है लोग बहुत ज़्यादा फ्री होने लग जाते हैं क्योंकि इस टाइम जो ऑफिस का टाइम भी खत्म हो जाता है और ट्यूशन वगैरह जो है स्टूडेंट वगैरह सब कुछ टाइम खत्म हो जाता है, शाम को सारे फ्री रहते हैं। तो 6 बजे के बाद आप लोग अपनी वीडियो को अपलोड करने की कोशिश करो क्योंकि इंस्टाग्राम इसी टाइम पे जो है मतलब कि लोगों तक आपका इंप्रेशन भेजता है, यानी कि अगर आप सुबह वीडियोस डालते हो तो लोगों के पास सुबह बहुत सारे काम होते हैं, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो फ्री बैठ के अपना फोन चलाए। तो क्या होता है कि अगर आप मान लीजिए शाम को अपने वीडियो को अपलोड किया और आपके किसी व्यूवर ने एक वीडियो को कंप्लीट देख लिया तो दूसरे व्यूवर तक भी भेजेगा, तो इससे क्या होगा कि अगर मतलब कि व्यूवर के पास भेजते रहे तो वहाँ पे उस शाम के टाइम में वीडियो के वायरल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप लोग जो है कोशिश करो कि शाम के टाइम वीडियो उसको अपलोड करो एंड उस टाइम पर जो आपकी वीडियो वायरल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, तो आप लोग 1000 व्यूज तो ऐसे ही कंप्लीट हो जाएंगे उस टाइम पे। बट गाइस आपकी जो तीसरी ट्रिक है जो जिसमें मैं बताने वाला हूँ वो गाइस बहुत ज़्यादा मतलब कि एकदम आपको ध्यान से सुननी है, तो मैं आपको बताता हूँ कि जो तीसरी ट्रिक है हमारी इसमें गाइस क्या करना है। आप लोगों को मान लीजिए आप लोगों ने एक अकाउंट क्रिएट किया है या फिर आपका पुराना अकाउंट है,
आप लोगों ने वीडियोस बनाना शुरू कर दिया है, आप रील्स डालो डेली की, बट आप लोग उसमें व्यूज कितना रहे 30-40। अब मान लीजिए गाइस आप लोगों के फॉलोवर्स है 100, ठीक है 100 फॉलोवर्स हैं आप लोगों के, और आज के टाइम में तो 1000 से ऊपर ही होते हैं सबके फॉलोवर्स, बट कोई बात नहीं, मान लेते हैं आपने नया अकाउंट क्रिएट किया। अब गाइस देखिए आपके जो 100 फॉलोवर्स है ना, आप लोगों को कोशिश करना है कि वो 100 के 100 आपके जानने वाले हो, ठीक है, क्योंकि कोई भी अननोन पर्सन ना हो उसमें, आप कोशिश करना। अब गाइस देखिए मान लीजिए आपने 100 फॉलोवर्स हैं आपके, आपने एक रील अपलोड किया, आपकी 100 व्यूज आ गए, ठीक है, आपने शेयर करके उनको भेज दिया तब भी 100 व्यूज आ गए, ठीक है। अब गाइस देखिए आप लोगों को करना क्या है, इतना हो जाए जब आप लोगों के 100 व्यूज आ जाए, आप लोगों को लगे कि हाँ मेरे इतने फॉलोवर्स हैं और मेरे इतने व्यूज आ गए, तो आप लोगों को उसी रील को जो आपने अपलोड किया है, उस रील को जो है आप लोगों को अपने सभी फॉलोवर्स को शेयर कर देना है, और वहां पे आप लोगों को उन सबको बोल देना है कि आप लोगों से इसकी एक स्टोरी लगा दो। अब वो गाइस क्या होगा कि स्टोरी लगाने से आपका फायदा क्या होगा कि जो भी गाइस स्टोरी के व्यूज होंगे उनके, मान लीजिए अगर किसी आपके फ्रेंड के 1000 फॉलोवर्स हैं और उसने अगर आपकी स्टोरी लगा दी और आप उसकी स्टोरी व्यूज आती है 150, तो आपके गाइस 150 व्यूज जो है आपके उसके रील में काउंट होंगे। अगर आप लोग को ये चीज अगर आप सच में अगर आपको देखनी है तो वैसे आप लोग एक बार अपलोड करके देख लो स्टोरी, आप अगर अपनी खुद की वीडियो को अपनी स्टोरी पे भी अपलोड करते हो और वहाँ पे जो व्यूज आते हैं ना वो भी आपके जो है स्टोरी व्यूज आपके रील्स व्यूज में काउंट होते हैं, आप लोग कभी करके देख लेना। ऐसे गाइस आप लोग अगर अपने 10 फॉलोवर्स को भी भेज देते हो और वो 10 के 10 भी अगर आपकी स्टोरी में आपकी वीडियो को अपनी स्टोरी में मेंशन कर देते हैं तो गाइस उसके जो स्टोरी व्यूज होंगे वो आपके रील्स में काउंट होंगे। आप लोग ऐसे करके आप 1000 व्यूज जो ऐसे भी ले सकते हो, बस आप लोगों को करना इतना ही है कि आप लोगों को शेयर करना है और आप लोगों को डेली अपनी रील्स को जो स्टोरी पर अपलोड करना है, आपके व्यूज जो ऐसे ही गेन होते रहेंगे। एंड बाकी का जैसे जैसे व्यूज गेन होते रहेंगे आपके इंप्रेशन भी वैसे वैसे और लोगों तक जाते रहेंगे, तो आप लोग जो अपनी वीडियो को ऐसे भी वायरल करवा सकते हो। तो आज की हमारी यही थी कुछ 3 ट्रिक्स जो कि गाइस आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करना और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलिए गाइस मैं मिलता हूं किसी नए वीडियो में, तब तक कीप लविंग कीप सपोर्टिंग, गुड बाय।